है फुलग्रो टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं मूंग दाल पराठे, जो कि बहुत हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटे का डव तैयार कर लेना है। हमने गेहूं का आटा लिया है, इस तरह से हमने आटा डाल लेना है। इसी के साथ हमने आटे में नमक डाल लेना है थोड़ा सा स्वाद के लिए, और इसी के साथ हमने इसके अंदर तेल डाल देना है थोड़ा सा क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए। इसमें चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं, देसी घी। तो ये ऑयल डाल देना है और हमने इसे मिक्स करते हुए पानी डाल के एक अच्छा सा इसका डव तैयार कर लेना है। आटे को हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब हमने देखिए, ये मूंग की दाल है जिसे हमने एक घंटा भिगो दिया था अच्छी तरह धो के। उसके बाद हमने क्या किया, उसे भिगे हुए पानी के साथ थोड़ा सा हमने एक सीटी सिर्फ कुकर में लगाई और उसे फिर उसके बाद मैश कर लिया। इस तरह देखिए एकदम बहुत बढ़िया ड्राई हो जाता है ये, और मैश करके आप उसे थोड़ा टाइम सेट करने को फ्रिज में रख दीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये हो गई है मूंग की दाल तैयार। इसमें हमने केवल थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के ही बॉइल किया था। देखिए अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे पूरा इसके अंदर। इसी के साथ हमने हरा धनिया लिया है, इसे डाल देंगे। कुछ हमने हरी मिर्चें लिए फाइन चॉप करके बारीक। इसी के साथ हमने चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया जीरा पाउडर, ये सारा का सारा डाल देना है इसके अंदर। और इसी के साथ हमने क्या करना है, स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है और हमने थोड़ा सा अजवाइन लेना है और इसे अपने हाथ पे इस तरह से क्रश करते हुए डालना है, जिससे हाजमा भी अच्छा होता है और इसका स्वाद भी अच्छा आता है। अब इसे हम एक अच्छा डव तैयार करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिलिंग के लिए लगेगा ये हमारे पराठे में। डव भी सेट हो गया हमारा बढ़िया, और ये मिक्सिंग भी बहुत अच्छी हो गई दाल की। हमने देखिए दो गोले लिए, इस तरह से पहले हमने बना लेनी छोटी छोटी रोटी। हम दो करके बीच में स्टफिंग करेंगे, चाहो तो एक में भी कर सकते हो, एक बड़ा गोला करके उसमें स्टफिंग करके भी हो सकता है ये। तो हम इस तरह से दो रोटी बनाएंगे करीबन एक जैसी, और इसके अंदर हम अभी स्टफिंग करेंगे। हल्का सा हमें इस पे घी का हाथ लगा लेना है, बिल्कुल हल्का सा। और जो हमने तैयार किया है दाल का स्टफिंग, उसे हमने लेना है हाथ पे, अच्छी तरह से हमने डालना है ताकि पराठा खाने में बहुत मजा आएगा जितना स्टफिंग उसमें होएगा। तो अगर आप इस तरह से दो गोले की लेते हो तो आप स्टफिंग भी अच्छा डाल सकते हो, पराठा ब्रेक नहीं होता। सिंगल में हम थोड़ा ज़्यादा नहीं डाल पाते। बस अब इसे दूसरे को भी इसके ऊपर से लगा देना है, साइड से हल्का सा प्रेस कर दीजिए उसे, ताकि हमारा मिश्रण बाहर ना आए। अगर आपका मिश्रण परफेक्ट बना है तो पराठा टूटता भी नहीं है और मिश्रण बाहर भी नहीं आता है। हल्का सा आप उस पर ना थोड़ा सा आटा भी लगा दीजिए और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे जितना बड़ा चाहे बेल लीजिए। आप चाहे तो छोटे बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं। हम थोड़ा पंजाबी पराठा है तो हम थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। इस तरह से बेलते हुए हमने इसे चारों तरफ से फैला देना है। देखिए स्टफिंग भी इसकी चारों तरफ अच्छी तरह फैल गई है और बिल्कुल बाहर भी नहीं आई है। ये हो गया हमारा पहला पराठा। इसे अब हमने ऑलरेडी तवा गर्म होने को रखा था और उसके ऊपर हमने हल्का सा घी डाला था। अब ये पराठा रख देते और इसे बनाने पकने देते, तब तक दूसरा भी शुरू कर देते। ये चेक करते हैं, देखिए ये ऑलमोस्ट एक तरफ से बहुत बढ़िया पक गया है। इस स्टेज में ना इस पे घी लगाना है हमने। हमने लिया है देसी घी, आप चाहो तो इसपे ऑयल भी लगा सकते हो या बटर भी लगा सकते हो। बस घी लगा के ना वापिस सेक लेना है, अच्छी तरह सेक के फिर इसे दूसरी तरफ भी घी लगा के सेक लेना है। तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। ये देखिए बहुत क्रिस्प एकदम बढ़िया सेक के हो गया। तो इसी तरह दोनों तरफ, इस तरफ भी हमारा सिक गया है पराठा बहुत बढ़िया। इसे अल्टी पल्टी करते हुए बहुत बढ़िया सेकते हुए बनाएंगे हम, ताकि ये बहुत बढ़िया और क्रिस्प लगेंगे। देखिए बहुत बढ़िया सिक गया है चारों तरफ से। बस इसे अब हम हमारे पेपर पे निकाल लेंगे, इसी तरह बाकी के पराठे भी बना लेते हैं। देखिए हमारे गर्मा गर्म मूंग दाल परोठे बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। इस पर आप बटर डालिए या देसी घी डाल के खाइए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम भी खा रहे हैं,
आप देखिए, बनाइए ये रेसिपी और बताइए आपको कैसी लगी। एक और वीडियो में आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।